400 से ज्यादा सीट थी राजीव गांधी। भारत में आज तक कोई उतना वोट नहीं पाया है। इस बार मोदी जी का नारा है, इनके यहाँ एक पिटीशन आया, एक आदमी ने केस किया हुआ है, जनहित याचिका लगाई, अगर ये आदमी फैसला सुना दिए, इनको कौन नहीं जान रहा है। दीवाई चंचूर, इनके पिताजी भी बहुत सख्त जज थे, वाईवी चंचूर, वो भी मुख्य न्यायाधीश रहे थे। साहबानो केस उन्हीं में गया था। साहबानो केस में कांग्रेस ने ऐसा गलत डिसीजन लिया कि आज कहां चली आई वहां पर, सुप्रीम कोर्ट का फैसले बदल दिया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बस इतना कहा था कि साहबानो को, मतलब जो 56 साल की उम्र में उसके हस्बैंड ने डिवोर्स दे के हटा दिया, तो उसको भत्ता मिलना चाहिए, एलिमोनी मिलना चाहिए। उसको राजीव गांधी ने संसद में फैसले पलट दिया, कहा कि नहीं, इस्लाम में ऐसा भत्ता होता की व्यवस्था नहीं है। तो भारत के लोगों को लग गया कि ये तो बहुत गड़बड़ बात है भाई, आप किसी एक पार्टी के वोट के लिए सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बदल देंगे। चल सर, 400 से ज्यादा सीट थी राजीव गांधी की। भारत में आज तक कोई उतना वोट नहीं पाया है जितना राजीव गांधी को मिला था, 400 से ज्यादा सीट। इस बार मोदी जी का नारा है, आपकी 400 बार। ये दिखते हैं कि ये 61 साल के हैं चंचूर साहब, तो इनको नहीं लगते हैं आप। इस SBI वालों को तो एकदम बाप रे बाप, जूता भीगा भीगा मारे हैं। अभी देखिएगा, ये ना एक और नियम लाने वाले हैं, ला दिए ना तो बवाल हो जाएगा। हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके जो अध्यक्ष होते हैं उनमें है कि प्रधानमंत्री के सलाह पे नियुक्ति होता है। तो इनका, इनके यहाँ एक पिटीशन आया, एक आदमी ने केस किया हुआ है, जनहित याचिका लगाई हुआ है कि सुनिए ना, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है ना, उसकी नियुक्ति कौन करेगा, वो प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और मुख्य न्यायाधीश भी रहेंगे, मुख्य न्यायाधीश भी रहेंगे, अगर ये आदमी फैसला सुना दिए। अभी भारत में ना, भारत में अगर अभी किसी को सबसे ज्यादा किसी से डर लगता है ना, किसी भी अधिकारी को, तो चंचूर साहब से। कब किसको निपटा दे अगर बुला के यहां पे, बहुत आजकल ना ये ऑनलाइन हो गया है कोर्ट। गनीमत बस ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो डांट फटकार लगाया जाता है वो इंग्लिश में लगाया जाता है, हिंदी में लगा देना तो बेइज्जती से लोग निकल ना पाए वहां, समझ में आ गया। वहां पे तो इंग्लिश मजबूरी भी है, अगर इंग्लिश फॉलो नहीं करेंगे तो बहुत सारे कोर्ट इंटरनेशनल भी होते हैं यहाँ पे, हालांकि हिंदी होना चाहिए लेकिन नहीं होता। अब ये क्या कहिएगा क्या नहीं, अब अलग बात है, इंग्लिश को नकार नहीं सकते, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी होना चाहिए। जैसे जितने भी हाई कोर्ट है ना वो सब इंग्लिश है, बट इंग्लिश के साथ साथ वहां हिंदी भी होता है। आप देखिएगा, वकील लोग भी कुछ बातें हिंदी में बोलेंगे, जो केस लड़ने आएगा, जो जज आएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट प्योर इंग्लिश हो जाता है।